जर्मन टाइड वहां फंस गया। ए, नहीं, नहीं, नहीं। और ये पड़ा, ओए नहीं गाइस, ओए नहीं मैं मरने वाला हूँ। ओ भाई लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, बच गया भाई, मैं मरना चाहूंगा इसके चक्कर में। ब्रो ये पहले क्या है यार, ये तो मॉन्स्टर, पहले भागो भाई। और ये मेरे पीछे आ रहा है भाई, ये केव के अंदर आ रहा है। Hey, what's up guys? कैसे आप सभी? तो guys, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं पैल वॉय, जिसमें guys हमने अपना एक सीक्रेट बेस बनाया था इससे पहले वाले एपिसोड में। और guys ये बेस इतना सीक्रेट है, इसमें मेरे अलावा कोई एंटर नहीं कर सकता, समझ रहे हो भाई, बहुत ज्यादा सीक्रेट बेस। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके जल्दी से चेकआउट करो, और guys उसमें भी लाइक ठोक दो, इसमें भी लाइक ठोक दो। और गाइस आज हम लोग करने जा रहे हैं, जितने भी आप लोगों को ये भाई अल्फा पैल दिख रहे हैं इन सबको हराने जा रहे हैं, इन सबको कैप्चर करने जा रहे हैं भाई। कुछ पैल तो भाई लेवल 40 के ऊपर है भाई, जैसे देख सकते हो 49 का है गाइस, ये तो ये 40 का है, ये है 44 का गाइस, और एक यहाँ पे फॉस्टैलियन जो भाई 50 लेवल का पैल है गाइस, 50 लेवल का पैल है, 50 लेवल का पैल। तो गाइस इन सबको हराने से पहले मेरे को कॉर्ड्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि कॉर्ड से हम लोग के बन पाएगा जो हम लोग का ये है स्पीयर सेमनी लाइन 2, जिसे गाइस हम लोग बना सकते हैं इसमें अल्ट्रा स्पीयर। एक मैं दिखाता हूँ मैं आपको टेक्नोलॉजी पॉइंट में गाइस, ये देखो गाइस, ये रही अपनी अल्ट्रा स्पीयर, ये गाइस अल्ट्रा स्पीयर, जिसे गाइस अल्ट्रा स्पीयर में मेरे हिसाब से लेवल 50 तक के पैल्स कैप्चर हो सकते हैं। तो गाइस इसके लिए मेरे को सिर्फ कॉर्ड्स चाहिए होंगे, कॉर्ड्स मेरे को शायद एक जगह मेरे को पता है वहां से मिल जाएंगे, तो मेरे को वो माइन करके लेके आने, फिर गाइस स्पीयर असेंबली लाइन बनानी, वो भी सेकंड की। तो गाइस बहुत ज्यादा मजा आने वाला, तो यार चलते हैं तेजी से, पहले कॉर्ड्स लेके आते हैं, फिर गाइस स्पीयर असेंबली लाइन बनाते हैं, फिर गाइस हम लोग को बनाना है अल्ट्रा स्पीयर। हाँ अल्ट्रा स्पीयर बनानी है गाइस, क्योंकि अभी अपने पास है हाइपर स्पीयर, तो हाइपर स्पीयर के बाद हम लोग की बनेंगे अल्ट्रा स्पीयर। गाइस ये बेस बहुत ज्यादा औसम है, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपको एक बार टूर करा देता हूँ इस बेस का। अगर आपने उस वाली वीडियो में देखा तो गाइस यहाँ पे अपना भाई पैल्स के लिए नहाने के लिए जगह है गाइस, यहाँ पे नॉर्मल थोड़ी बहुत चीजें, और गाइस यहाँ पे भाई ये मेरा फूड फार्म है, मैंने अगर आपको नहीं बताया तो गाइस ये मेरा फूड फार्म है गाइस, यहाँ पे सिर्फ मैं फूड बनाऊंगा और सारे बेस में लेके जाऊंगा। देख सकते हो गाइस यहाँ पे खूब सारे लेटिस और टोमेटो के मतलब वो रखे हैं, क्या बोलते हैं ग्रो हो रहे हैं, मैं सिंपल सी भाषा में ग्रो हो रहे हैं गाइस। और यहाँ पे बेड रखे हैं पैल्स के, उधर साइड भी बेड रखे, और गाइस जो अपना मेन अट्रैक्शन है यहाँ का, जहाँ पे गाइस मैं चिल करने आता हूँ गाइस, ये है अपना मेन अट्रैक्शन। मेरे को पहले यहाँ पे आग लगानी है, एक आग यहाँ पे भी लगानी है मेरे को, रुक जाओ आपको पूरा भाई उजाले में दिखाएंगे अपना बेस। और गाइस ये देख सकते हो गाइस, यहाँ पे गाइस हम लोग आएंगे चिल करने के लिए, देख सकते हो गाइस यहाँ पे बेड है, यहाँ पे दो ऐसी नॉर्मल गार्बेज बैग रखे हुए हैं, मैंने बस ऐसी रख दी है। और गाइस यहाँ पे स्टडी टेबल है, यहाँ पे बैठेंगे गाइस, यहाँ पे हम लोग पियानो बजाएंगे पै पै फै पै करके, वैसे पियानो पै पै नहीं बजता है, टेन टून टेन ऐसी बजता है मेरे हिसाब से। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो खूब सारे मैंने ये बना रखे हैं, क्या बोलते हैं ये स्टोरेज बना रखी है, यहाँ पे स्टोरेज है, यहाँ पे स्टोरेज है, यहाँ पे स्टोरेज है। और गाइस इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने सुजाकू एक्वा खोले था गाइस, जो बहुत ही ज्यादा औसम पैल है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो गाइस मैं आपको दिखा रहा था सुजाकू व्यू गाइस बहुत ही ज्यादा औसम पैल है, देख सकते हो भाई डायट लवर है, आर्टिस्ट है, सीरियस है, और लॉगिंग फोरमैन, जिसका कोई मतलब नहीं, वैसे मेरे को इन सबसे मतलब है भाई, और ये गाइस दिखने का बहुत ही ज्यादा कूल है। और गाइस एक और चीज से पहले वाले एपिसोड में आपको दिखाई थी गाइस, चलते हैं अपने एक और नए बेस में, जो मैंने ऑफ स्क्रीन बनाया है, जिससे गाइस मैं खूब सारा यहाँ पे कोल कलेक्ट कर सकूं और रिफाइन आयरन इनगट बना सकूं। तो गाइस मैंने अपने दो बेस को कंबाइन कर दिया, यहाँ पे आयरन वाला जो बेस था और गाइस जो मेरा मेन बेस था, उन दोनों को कंबाइन करके ये फार्म बनाया, जिससे गाइस मैं यहाँ पे खूब सारा रिफाइन आयरन इनगट बना सकता हूँ, ये रिफाइन इनगट बना सकता हूँ, देख सकते हो गाइस 20 बना दिए मैंने यहाँ पे, और इसमें देख सकते हो खूब सारा रखा होगा, देख सकते हो 559 रखा हुआ है मेरे पास अभी भी। और गाइस यहाँ पे भी मैं मतलब खाना बनाता रहता हूँ अगर टाइम मिलता है तो मेरे को, वरना गाइस जाता हूँ मैं खाना वहीं बनाता हूँ और खाना लाके मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये देखो। तो गाइस अभी हो चुकी है रात, तो गाइस सोने चलते हैं। अगर आपको इसके पूरा टूर चाहिए तो इससे पहले वाले एपिसोड मैंने दिया था, तो जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। गाइस पहले चलते हैं यहाँ पे, सो जाते हैं अपने बेड पे, फिर अगली सुबह हम लोग को बहुत ही ज्यादा काम करना है। तो गाइस मैं यहाँ पे पॉइजन एरो और यहाँ पे हाइपर स्पेयर और वहाँ पे फायर एरो लगा दी, और गाइस जो भी मेरे को एमओ बाय करनी होगी वो मैं नॉर्मली बाय कर लूंगा। लेकिन गाइस मैंने एक और चीज खोली थी ना टेक्नोलॉजी पॉइंट में, मैं भूल ही गया गाइस उसको बनाना, एक मिनट रुको गाइस मैं आपको दिखाता हूँ अगर मैं दिखा पाया तो। मैंने खोली थी गाइस ये सिंगल शॉट राइफल, और इसके लिए मेरे को रिफाइंड इंगन और पॉली मटेरियल चाहिए था, तो गाइस वो तो मेरे पास रखा हुआ है, पहले यहाँ पे जितने भी एरो हैं ये बनेंगे तब जाके गाइस मैं बना पाऊंगा उसे। तो गाइस मैं एक और चीज करना भूल गया था कुछ वीडियो में, लेकिन गाइस इस वीडियो में मैंने सबको नाम दे दिया है जो मैं नाम देता था जब भी मैं किसी सिंडिकेट के मेंबर को पकड़ता था, जैसे गाइस मैंने पहले दे रखा था भरत भाई को, बैटल गेमर को,
ड्रैगन गेमर्स को और डैनियल को, निंजा गेमर, नॉट डेकू एक्सडी को, स्टार डी 882 को, और भाई ने एक बहुत ही ऑसम शायरी लिखी थी स्टार भाई ने, लेकिन गाइस आप लोग कमेंट में जाके पढ़ सकते हो। और प्रिंस कुमार भाई को भी दिया था, श्रेयांश भाई को दिया था, निर्मला को दिया था, हिंदुस्तान गेमर को दिया था, विष्कार गेमर को दिया था, पंकज शर्मा को दिया था, मोहम्मद तजुद्दीन को दिया था, शेडो को दिया था, एसके राकिब को दिया था, आयुष भाई को दिया था, अंश भाई को दिया था, जैम किंग को दिया था। लेकिन गाइज आज मैंने गाइज 13 नाम और दे रखे हैं, तो गाइज उसमें से पहले सिंडिकेट मेंबर को मैंने नाम दिया है सैम रोवन भाई को, और दूसरा दे रखा है PBJS के टेक्नो 8045, और दूसरा है मोहम्मद नाजिम मुख्तर 8682 को, और गाइज मंजीत भाई को दे रखा है। मंजीत भाई ने मेरे से कहा था मेरा नाम मंजीत भाई रखना, वरना उनका नाम कुछ और है यूट्यूब पे। और गाइज यहाँ पे ईशान खान है, इनने भी अपना नाम कुछ ईशान खान लिखने का था, वरना यूट्यूब पे कुछ और नाम है, कमेंट बॉक्स में आप जाके देख सकते हो इससे पहले वाली वीडियो में। अर्चना पांडे को मैंने नाम दिया था, यहाँ पे सौरभ भाई को नाम दिया था, यहाँ पे बैटल बॉय को नाम दे रखा है, यहाँ पे हैप्पी गेमर, यहाँ पे रंजीत कुमार साहू को दे रखा है। बैटल बॉय ने मेरे को बोल रखा है कि रिलैक्सोसॉरस और ग्रिज़वोल्ड को ब्रीडिंग फार्म में लगाओ और बहुत ही ज्यादा ऑसम एग पाओ, तो गाइज अभी थोड़ी देर में जाके इसको भी लगा देते हैं और बैटल बॉय की बात सुनते हैं। और गाइज यहाँ पे आजम खान भाई को मैंने नाम दे रखा है, यहाँ पे गेमर स्टूडियो, और गाइज लास्ट नाम है यस गेमिंग को। तो गाइज मैंने यहाँ पे 13 नाम दे दिए, और गाइज अगर आपको भी नाम देना है तो ऑसम सा कमेंट करो, मेरे को कुछ ऑसम सी इन्फॉर्मेशन बताओ पैल वर्ल्ड के बारे में, तो गाइज आपको भी नाम मिल जाएगा पैल वर्ल्ड में अगर मैं किसी भी सिंडिकेट के मेंबर को पकड़ता हूँ तो। और गाइज मैं जरूर नहीं कि सबको नाम दे पाऊँ, क्योंकि गाइज मैं सारे मतलब सिंडिकेट के मेंबर को पकड़ नहीं सकता ना, वरना भाई पैल को पकड़ूंगा अगर सिंडिकेट के मेंबर को ही पकड़ूंगा तो। तो गाइज इतना ध्यान रखिएगा। और गाइज जो बैटल बॉय ने मेरे से बोला है कि रिलैक्सोसॉरस और ग्रिज़वोल्ड की मीटिंग कराओ, तो पहले चलते हैं गाइज रिलैक्सोसॉरस और ग्रिज़वोल्ड को लगा देते हैं यहाँ पे। गेमर बॉय भाई सॉरी मैं आपके लिए ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि गाइज रिलैक्सोसॉरस और ग्रिज़वोल्ड के लिए मेरे को ग्रिज़वोल्ड मेरे पास होना चाहिए, और रिलैक्सोसॉरस तो है मेरे पास, लेकिन ग्रिज़वोल्ड पता नहीं कहाँ गया भाई। मेरे पास इतने सारे ग्रिज़वोल्ड थे मैंने जिनको अनलॉक किया था जितना मेरे को ध्यान है, लेकिन गाइज वो दिख ही नहीं रहे मेरे को। तो बैटल बॉय ब्रो मैं तुम्हारे जो टास्क है वो नेक्स्ट एपिसोड में करूंगा, पहले इस एपिसोड में मेरे को जाना है गाइज अभी खूब सारे कॉर्ड्स लेने के लिए, तो गाइज मैं मिलता हूँ आपको कॉर्ड्स की जगह पे जहां से मेरे को कॉर्ड्स लेके आने हैं। तो गाइज मैं मानी लोकेशन में आ चुका हूँ जहां पे मेरे को खूब सारे कॉर्ड मिल सकते हैं, देख सकते हो गाइज जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब कॉर्ड के स्टैक रखे हैं। और गाइज यहाँ पे एक वम्पू भी है जो आइस टाइप है, और गाइज वो 41 लेवल का है, गाइज 41 लेवल का, मेरे को हराने में बहुत दिक्कत होने वाली है इसको, इसको हराने के बाद ही मैं सबको ले सकता हूँ। और गाइज अगर आपको आना है तो आपको गाइज पेरिस्टीन स्लो फील्ड की तरफ आना है, उससे गाइज आपको फिर राइट की तरफ बढ़ते हुए जाना है -199.248 एक्सेस पे आपको बढ़ना है, और गाइज आपको यहाँ पे माइनिंग लोकेशन में मिल जाएगा। गाइज ये देख सकते हो इतने सारे कॉर्ड से, पहले मेरे को इस वम्पू को हराना है। वम्पू को हराने के लिए मैं सोच रहा हूँ अपने सरमोटाइट को भेजता हूँ, गाइस इसको हराने के बाद जितने भी कॉर्ड हैं लेके चलते हैं, और गाइस ट्राई करेंगे वम्पू को भी पकड़ लूँ, अगर मैं वम्पू को पकड़ लूंगा तो आपको जरूर दिखाऊंगा। तो गाइस फाइनली मैं यहाँ पे देख सकते हो भाई 213 कॉर्ड लेके आ चुका है गाइस, बहुत ही टाइम लग चुका है मेरे को लाने में, क्योंकि गाइस मैं ऐसे भाई जो ग्रैपलिंग हुक होते हैं भाई इनसे मैं लेते आ रहा हूँ भाई ऊपर से, भाई समझ लो मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ गाइस यहाँ से मैं यहाँ से लेके आया हूँ सिर्फ ग्रैपलिंग हुक करते हुए, क्योंकि गाइस मैं उड़ सकता नहीं क्योंकि ज्यादा भारी हो गया था भाई, बहुत ज्यादा टाइम लगा है भाई, मेरे को एक ऐसी लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी जो भाई बहुत ही ज्यादा पास हो, वरना भाई बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा मेरे को ऐसे ढूंढने में। ये देख रहे हो भाई ऐसे आया हूँ मैं सिर्फ ऐसे करते हुए, अबे यार मेरे को यहाँ पे ये रखने, देख सकते हो 280 कॉर्ड्स हो चुका है, मैं थोड़े कॉर्ड्स पहले भी लाया था, तो गाइस मैंने यहाँ पे कॉर्ड्स लगा दिए, यहाँ पे खाना वाना रखा है तो खाना वाना भी इधर रख देते हैं, ये लोग खाएंगे भी ना, और जाके पहले गाइस सोते हैं। तो गाइज यहाँ से हम लोग की गुड मॉर्निंग हो चुका है, और गाइज मेरे को कॉर्ड इकट्ठे करने में भाई हालत खराब होगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई, इससे ज्यादा हालत मेरी आज तक कभी खराब ही नहीं हुई है भाई, बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई कॉर्ड इकट्ठे करने में। लेकिन गाइज फाइनली हम लोग ने कितने 280 कॉर्ड इकट्ठे कर लिए, जिससे गाइज मैं थोड़े बहुत स्पेयर बना पाऊंगा, जिससे गाइज मैं थोड़े बहुत अल्ट्रा स्पेयर बना पाऊंगा, स्पेयर नहीं भाई अल्ट्रा स्पेयर बना पाऊंगा, जो बहुत ही ज्यादा ऑसम स्पेयर होने वाली है। बस मेरे को वो सोचना है कि उसकी जो वर्क बेंच है मैं कहाँ बनाऊँ, मैं सोचा यही बना देता हूँ गाइज, जो अपना नॉर्मल पैल बॉल वाला है वहीं पे बना देते हैं गाइज अपनी। ये रही गाइज, अबे सर्किट बोर्ड भी तो चाहिए गाइज, इसके लिए सर्किट बोर्ड कैसे बनेगा ब्रो, ब्रो सर्किट बोर्ड कैसे बनता है यार, इसके लिए यार सर्किट बोर्ड की भी तो जरूरत होगी, प्योर कॉर्ड की जरूरत है और पॉलीमर की जरूरत है, तो गाइज दोनों चीज मेरे पास है भाई, मेरी हालत खराब हो गई थी भाई सर्किट बोर्ड बनेगा कैसे करके, भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, अपने पास सर्किट बोर्ड बनाने के लिए आइटम है। तो गाइज ये रहा अपनी प्रोडक्शन असेंबली लाइन, तो गाइस इसी में मेरे को सर्किट बोर्ड बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा, यस गाइस आ चुका है। तो मेरे हिसाब से कितने भाई ज़्यादा नहीं हो जाए कहीं मेरे भाई, जरूरत कम पड़ेंगे मेरे को लग रहा है। तो गाइस अल्ट्रा स्पेयर बनाने के सर्किट बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसके लिए 10 सर्किट बोर्ड चाहिए होंगे,
तो मैं सोचा 11 बना देते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ज्यादा कॉर्ड भी यूज नहीं होंगे मेरे इससे। अगर कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो चलो 15 कर देते हैं, अगर ज्यादा कहीं पे जरूरत पड़ी तो काम आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पे इसको भेज देते हैं। और गाइज मैंने इतने सारे कॉर्ड्स तोड़े कैसे, मैंने भेजा गाइज अपने जो याला पहल है, क्या बोलते हैं, डिकटॉय से इसको भेजा। और गाइज इससे मैंने डिगिंग डिंगी करवाई, इससे डिगिंग डिंगिंग कैसे करवाई मैंने, इसका मैंने की आइटम अनलॉक कर लिया था, डिकटॉयज हेयर बैंड, हेयर बैंड का अनलॉक करने के बाद गाइज इसका एक एबिलिटी खुल जाती है, एयर दबाने से भाई सरसर 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 करके बेबलेट की तरह नाचता है भाई, बहुत ही ज्यादा तेज नाचता है भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत ही ज्यादा तेज नाचता है यार। तो वो अनलॉक करने के बाद तुम्हारे भाई ने तुरंत तेजी तेजी से भाई जितने भी थे वो तोड़ रहे थे, बस लाने में दिक्कत हुई मेरे को, और किस चीज में दिक्कत नहीं हुई, बस लाने ले जाने में दिक्कत हुई है। तो गाइज यहाँ से मैंने इधर रख दिया है, और मेरे पास ब्रेड रखी हुई है ना, ब्रेड को खा लेते रुको, तो थोड़ा सा इधर करके इधर लगा देते हैं गाइज स्पीयर असेंबली लाइन को। तो गाइज यहाँ पे स्पीयर असेंबली लाइन लग चुकी है, तो गाइज इसको यहाँ पे अनुबिस बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो गाइज फाइनली मैं अल्ट्रा स्पीयर बना पाऊंगा, जिससे गाइज मैं शायद इसको पकड़ पाऊँ फर्स्ट एलियन को, और जितने भी पहले उनको भी पकड़ूंगा। पहले मैं जाऊंगा गाइज यहाँ से स्टार्ट करूंगा, जो सबसे लोअर लेवल का पहल होगा उसको ढूंढूंगा पहले, मैं सोच रहा हूँ इसको पकड़ते हैं, क्योंकि गाइज ये क्वींस है, ये सबसे लोअर लेवल की है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर यहाँ पे ये भी है, ये 31 लेवल, ये भी 25 लेवल का, तो इन सबको पहले पकड़ूंगा, फिर मैं जाऊंगा इसको पकड़ूंगा, फिर इसको पकड़ूंगा, फिर इसको पकड़ूंगा भाई, ऐसे पकड़ पाऊंगा तब जाके शायद मैं थोड़ा लेवल अप भी हो जाए, उसकी वजह से मैं शायद उन सबको भी पकड़ पाऊँ। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो अल्ट्रा स्पेयर ये रही, तो मैं कितनी बना सकता हूँ भाई, 112 अल्ट्रा स्पेयर बना सकता हूँ, लेकिन 112 अल्ट्रा स्पेयर मेरे को बनाने की जरूरत है कि नहीं है। और साल्ट अल्ट्रा स्पेयर बनाने के बाद फिर चलते हैं गाइज अपने पैल्स को पकड़ने के लिए। तो गाइज यहाँ पे मेरे पास सारा आइटम बन चुका है, जैसे देख सकते हो यहाँ पे मेरी अल्ट्रा स्पेयर बन चुकी है, जो 62 बन चुकी है, अब मेरे हिसाब से एक मिनट जो मैप खोल ले दो, 62 अल्ट्रा स्पेयर काफी होंगे फ्रॉस्ट एलियन को पकड़ने के लिए भी, और डायनोलक्स को, ये मैंटास्टिंग को, और ये जो भाई क्या बोलते हैं 40 के ऊपर लेवल के पहल है ब्लेज मट भाई, मेरे हिसाब से इन सबको पकड़ने के लिए जरूरत पड़ेगी, और इन सबको मेरे हिसाब से भाई मैं मेगा स्पीयर या फिर गीगा, नहीं क्या था भाई दूसरी स्पेयर का नाम मैं भूल गया, हाँ हाइपर स्पेयर या फिर गीगा स्पेयर में पकड़ सकता हूँ मैं इन सब लोगों को, और तो कोई ज्यादा हाई लेवल का पहल नहीं है मेरे हिसाब से, सिर्फ यही चार हाई लेवल के पहल जिनको पकड़ने में मेरे को दिक्कत होगी भाई, ये कितने लेवल का है, अभी 31 लेवल का है, तो और सबको तो मैं पकड़ लूंगा, तो पहले मैं इन सब छोटे पैल से स्टार्ट करूंगा, फिर जाऊंगा गाइज इन सब बड़े पैल्स पे, और देखते हैं गाइज मैं किन किन को पकड़ पाता हूँ आज, मैं ट्राई करूंगा गाइज कि मैं सारे पैल को पकड़ सकूंगा, फिर मजा आएगा ना, तो देखते हैं गाइज मैं किस किस को पकड़ता हूँ। पहले मैं जाऊंगा गाइज जो सबसे लोअर लेवल पैल है वो है भाई Q1 नाम का पैल है भाई, ये फ्लाइंग टाइप मेरे को लग रहा है, बहुत ही ज्यादा पैल लग रहा है, इसको पकड़ूंगा, फिर उसके बाद यहाँ पे ये एक बीकॉन है इसको पकड़ूंगा, फिर उसके बाद गाइज यहाँ पे रिलैक्सोसॉरस लक्स है गाइज, ओ भाई यहाँ पे तो मैंने जर्मन टाइड को पकड़ लिया जो 45 लेवल का था गाइज, जर्मन टाइड को मैंने पकड़ लिया, तो शायद और सब पैल को भी पकड़ना इजी होगा, 11 पैल टोटल मेरे को पकड़ने हैं गाइज, देखते हैं मैं कितने पैल पकड़ पाता हूँ, पहले चलते हैं गाइज इसके पास ही, मेरे हिसाब से मेरा जो जर्मन टाइड है भाई, जो ओपी जर्मन टाइड है वो इजिली पकड़ लेगा उसकी एबिलिटी घटाने के बाद, तो मैं सोच रहा हूँ उसके लिए मेरे को यहाँ पे ये पहन लेना चाहिए रिंग ऑफ मर्सी पहन लूंगा, तो उसकी लाइफ एक लेवल पे मतलब ला के रख सकता हूँ मैं उसकी लाइफ। तो यहाँ से पहले नीचे उतरते हैं भाई, नाइटविंग उतरता हूँ पहले नीचे, नाइटविंग को लेता हूँ अपने पास, यहाँ से अपनी हेल्थ फुल कर लेता हूँ, नाइटविंग की भी हेल्थ फुल है, बस अब चलते हैं गाइस इसके अंदर, एंटर करते हैं डंजन में, और जाते ही हमको छोड़ना है भाई, कितना प्यारा लग रहा है बे, एक मिनट रुक जाओ मेरे को पहले यहाँ पे छोड़ना है इसको, और हाथ में लेनी है गन, और इसको मारना चालू करना है गाइस, हमने भी मारना है, और भाई अपना जर्मन टाइड तो मारेगा ही मारेगा, ये देखो भाई क्या लाइव घटा रहा है भाई, ओपी है भाई अपना जर्मन टाइड, यहाँ पे सिंगल शॉट एमओ कमाल, देखो भाई सिंगल शॉट राइफल बहुत ही ज्यादा ऑसम है भाई, ये मारना दे कहीं से भाई, बस मेरे को इसका टेंशन है, वरना तो भाई इजिली मैं पकड़ लूंगा, बस एक और शॉट मारना है इसको, फिर मैं इसको ले लूंगा अपने पास, जर्मन टाइड वहां फंस गया, नहीं मेरे को नहीं मारना है जर्मन टाइड, एक शॉट मार दे बस एक शॉट, यहाँ से मेरे को ये फेंकनी है, गीगा स्पेयर फेंकी मैंने, गीगा स्पेयर फेंकी है, मेरे हिसाब से गीगा स्पेयर में आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा, लेट्स गो हाइपर स्पेयर फेंका है भाई, 69% चांस है, 69% चांस, और लेट्स गो हमने पहला पैल पकड़ लिया है, पहला पैल हमने पकड़ लिया क्वीन वन, और ये स्लैकर है भाई बहुत गंदा पैल है। तो गाइज मैं यहाँ पे आ चुका हूँ फेलबैट को पकड़ने के लिए, और गाइज ये रहा उसका रेल्म, तो इसके रेल्म में पहले एंटर होते हैं, और गाइज यहाँ से हम लोग वापस छोड़ेंगे अपने जॉर्मन टाइड को, क्योंकि गाइज अपना जॉर्मन टाइड है ओपी, और इसकी बजा देगा टोपी, एक मिनट रुक जाओ गाइस, अरे जॉर्मन टाइड मेरे को तो देखने दे रहे हैं उसे, ये वाला अटैक मेरे पे आ रहा है, लेकिन जॉर्मन टाइड ने अपने अपर ले लिया भाई, और जॉर्मन टाइड की यहाँ पे बिजली चल रही है, और ये मेरी तरफ आ रहा है अटैक करने के लिए, मैंने दिया ये लो, ठीक है मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा, इधर इधर नहीं,
अब मेरे को इस पे छोड़ना है स्पीयर्स, ठीक है, याली स्पीयर मेरे हिसाब से काम ना करे, हाइपर स्पीयर काम कर जाएगी। लेट्स गो, हाइपर स्पीयर मैं छोड़ा और इसे मेरे पॉइजन दे दिया था। और यहाँ पे गाइस फ्लैप बैट, हाँ फ्लैप बैट को हमने पकड़ लिया, लेट्स गो। हमने एक और भाई एक और को हमने पकड़ लिया, फ्लैप बैट को, एक और मतलब अपने बॉस पोकेमोन को हमने कैप्चर कर लिया गाइस। अब हम लोग जाएंगे, ओके गाइस, मेरे को जर्मन टाइट वहां फंस गया। ए, नहीं, 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 मेरे को नहीं मानना जर्मन टाइट। भाई आपको पता नहीं है ये है कहाँ पे गाइस? ये भाई बहुत ही ज्यादा अंदर और छुपा हुआ, पता नहीं इतना छुपा हुआ पोकेमोन क्यों रखा है भाई इसको। मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा ना, देखो बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा ना, यहाँ पे मैंने इसको छोड़ा अपने क्या बोलते हैं यूनिवोल्ट को, देखो जिसकी वजह से मेरे को भाई दिखा है यहाँ पे आना मुमकिन हो पाए, इसको मारने ना चले जाए। एक मिनट रुक जाओ, मैं पहले यहाँ पे यूनिवोल्ट को बुलाता हूँ और इसको कमांड देता हूँ, हाँ डू नॉट अटैक का, ठीक है। देख सकते हो वहां पे है और मैं आया हूँ यहाँ से गाइस, यहाँ से आया हूँ जहां का मेरे को रास्ता ही नहीं दिख रहा था गाइस। मेरे को लग रहा था गाइस आगे नीचे कहीं ऊपर नीचे होगा, तब जाके गाइस मैं यहाँ पे आया और मैं ऐसे यूनिवोल्ट को छोड़ते छोड़ते आ रहा हूँ जिससे गाइस मेरे को दिख सके। मेरे पास ऐसा कोई आइटम नहीं है जिससे कि गाइस लाइट जल सके। यार मेरे पास ना वुड है, मैं वुड होता तो मैं टॉर्च ही बना देता जहां से मैं आया था गाइस। ये देख सकते हो भाई मैं नीचे उतार रहा था वापस से फास्ट ट्रेवल पॉइंट की तरफ जाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हो ये जो छोटी सी लेक है, यहाँ पे देख सकते हो भाई एक वाटरफॉल है, ये देख सकते हो वाटरफॉल है, ये देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, अगर आप इधर से देखोगे कुछ दिखेगा ही नहीं, ये देखो गाइस कुछ दिखेगा ही नहीं गाइस आपको, ये वाटरफॉल के पीछे छुपा हुआ है। यहाँ पे ये वाटरफॉल जा रही है, ये एंड पे यहाँ से अंदर घूमते हुए यहाँ पे है, वो ऊपर की साइड नहीं थी अंदर की साइड है, वो भी इतना छुपा हुआ। पता नहीं इस पोकेमोन में ऐसी क्या बात है जिसको छुपा के रखा है गाइस। चलो देखते हैं भाई, पकड़ के फिर पता करते हैं, वापस से मैं अंदर ही मिलता हूँ गाइस क्योंकि इतना अंधेरा है दिख नहीं रहा है मेरे को। ये लेट्स गो यूनिवर्ल्ड भाई, अटैक पर अटैक मारो, मेरे पे अटैक मारा इसने पहला, ये ले। ओए नहीं मेरे को मारना नहीं था यूनिवर्ल्ड ब्रो, मेरे को खत्म नहीं करना था इससे यार, लेकिन भाई मैंने इसको ढूंढ निकाला तो मैं इसको पकड़ भी लूंगा, इजिली पकड़ लूंगा गाइस अब मैं इसको, क्योंकि भाई ये इतना यार टफ नहीं इसको पकड़ना, लेकिन मेरे को देखना था गाइस इससे क्या मिलता है यार, क्योंकि इतना छुपा हुआ पोकेमोन है और यहाँ पे भाई इतनी सारी, ये देखो क्या है ये सल्फर है क्या? एक मिनट रुको मैं माइन करके देखता हूँ ये है क्या। तो गाइस मैं यहाँ पे बीकॉन की लेयर पे आ चुका हूँ, जैसा कि आपको पता है इससे पहले मैं इसको पकड़ने गया था जो बहुत ही अंदर केव के अंदर था, लेकिन गाइस जो मेरा यूनिवोल्ट था उसने उसको ठेस डाला। और गाइस यहाँ पे रात हो चुकी है और ये बीकॉन सो चुका है, तो गाइस मैं चुपके से जाता हूँ और बीकॉन पे डाल देता हूँ गाइस अल्ट्रा स्पीयर। तो अल्ट्रा स्पीयर से मेरे हिसाब से एक ही बार में आ जाना चाहिए इतना मेरे को लग रहा है गाइस। कोई अल्ट्रा स्पीयर से नहीं आ रहा यार, और क्या पता हाइपर स्पीयर से आ जाए। ट्राई करता हूँ गाइस, बैग बोनस भी मिल जाएगा और 9% चार्ज से देखते हैं गाइस बीकॉन हाइपर स्पीयर में एक बार में आता है कि नहीं आता है। बिल्कुल 0% लाइफ गए हुए। तो यहाँ से मैंने ओए अल्ट्रा स्पीयर डाली भाई, कुछ हुआ ही नहीं मेरे को यहाँ से। भाई इसको डालना चाहिए अपने क्या बोलते हैं सुजाकू को, मैंने भेजा यहाँ से, ओ डॉच लग गई मेरे को और ये पड़ा। भाई क्या करता है सुजाकू ब्रो, तूने बीकॉन को मार दिया। तो गाइज मेरे हिसाब से ये ब्रॉन्ज चेरी एक्वा का बेस होगा, जिसे गाइज मैं एंटर करके जा सकता हूँ ब्रॉन्ज चेरी एक्वा को पकड़ने के लिए। और गाइज इसमें कम से कम लाइट तो है, उस वाले में तो लाइट ही नहीं थी गाइज, वहां पे तो पूरा अंधेरा था यार, मैं कहीं रहा था लाइट नहीं थी, और यहाँ पे लाइट पूरी जा चुकी है। 30 लेवल की है जिसको मेरे को हराना, भाई दिखने की कूल लग रही है भाई, रास्ता बड़ा मतलब घुमावदार था भाई इसको ढूंढने के लिए। गाइस फाइनली हमने ढूंढ लिया, वैसे अभी मेरे को इसको पकड़ लिया, इसको मैं पकड़ने गया था इसको भी मार दिया गलती से भाई, इसको भी मार दिया, तो इस बार तो इसको पकड़ के ही जाऊंगा मैं भाई। सी 7 लेवल हाई है ब्राउन चेरी एक्वा से ही है। इनवोल्ट इधर आ, यूनिवोल्ट जा इधर, और मेरे पे अटैक आ रहा है, मैं डॉच कर गया और यूनिवोल्ट सामने से हट जा, ये ले एक बट गया, मेरे पे अटैक आ रहा है, मेरे पे अटैक आ रहा है भाई, मेरे पे अटैक आ रहा है, बच 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 पड़ गया, ये ले बस एक दो शॉट और मारूंगा गाइस इसकी। ओए भाई एंड टाइम में डॉच किया मैंने और मेरे को लगी, और इसकी एक अब बस एक एचपी रखनी, बस लेट्स गो एक ही एचपी रखनी थी, अब मेरे को डालनी है गाइस। ओए नहीं मैं मरने वाला हूं भाई, मैं मरने वाला था गाइस, मैं मरने वाला था यार, बस ये आ जाए बॉल में, आ जा लेट्स गो। ओ गाइस मेरी लाइफ देख सकते हो 340 पे पहुंच गई थी गाइस, भाई मेरी शील्ड डीएक्टिवेट क्या हुई इससे, तो भाई मेरी पूरी लाइफ घटा दी थी। तो देखते हैं गाइस हम लोग रिलैक्सोसॉरस लक्स को पकड़ पाते नहीं पकड़ पाते, यहां पर देख सकते हो भाई रिलैक्सोसॉरस लक्स ये रहा, और यहाँ पे सिंगल शॉट राइफल, और ये भेजा मैंने गाइस अनुबिस को, और ये मैंने पहला शॉट मारा मुंह पे भाई 246 का पड़ा भाई पहला शॉट मुंह पे, एक मिनट गया, और ये ले एक और शॉट दिया भाई। अनुबिस तो बहुत सही मार रहा है भाई, उसकी लाइफ देख सकते हो कितनी ज्यादा ले गया भाई अनुबिस, एक मिनट रुक जा, ओए मेरे पे अटैक आ रहा है
ब्रो तू कमजोर तो नहीं है, मैं झूठ नहीं, वो भाई मिस कर गया मैं। एक मिनट रुको भाई, ये पास का टैंक मारने वाला है मेरे पे, मेरे को लग रहा है इस रेक्सोसॉरस को ठोक देगा। एक मिनट रुक जाओ मेरे को भाई, तो अबे ये कितना उछलता फुदकता है भाई ये। एक मिनट रुक जाओ, बॉडी अटैक करता हूँ इस पे। ये ले एक दो शॉट और मारना है भाई, काम बन जाएगा मेरा। ओ भाई ये और पार, ओ आग छोड़ रहा है ब्रो, तू आग छोड़ रहा है मेरे पे। ये ले भाई भाई भाई, एक बस एक शॉट और देना, काम बन जाएगा, वरना इसी में आ जाना चाहिए। लेट्स गो, लेट्स गो गाइस, हमने रिलैक्सेस और लस को इजीली पकड़ लिया ब्रो, इजीली। बस अब हमको पकड़ना है गाइस, मतलब अभी मेरे को इन दोनों को भी पकड़ना है, क्योंकि गाइस इन दोनों को मैंने मार दिया था गलती से। लेकिन गाइस मैंने यहाँ के सौरे पैल को पकड़ लिया, अब मेरे को गाइस पकड़ना है इसको, सेबिलेक्स को फिर गाइस मैं पकड़ूंगा, मैस्टिंग को फिर गाइस मैं सोच रहा हूँ पकड़ूंगा मैं इसको, डायनासोर लक्स को फिर गाइस उसके बाद मैं पकड़ने जाऊंगा इसको जो 49 लेवल का है ब्लेजमथ, फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग इसको जो सबसे लास्ट पोकेमॉन जो लेवल 50 का है फ्रॉस्टैलियन को। देखते हैं गाइस मैं फ्रॉस्टैलियन को पकड़ पाता हूँ नहीं पकड़ पाता हूँ, तो पहले चलते हैं गाइस अपने बेस में वापस से। तो गाइस यहाँ से हम लोग सिबिलेक्स के बेस में आ चुके हैं, तो गाइस अटैक करके देखते हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक बार इसको हराने की कोशिश की थी लेकिन गाइस ने मेरे को धो डाला था। देखते हैं गाइस इस बार मैं इसको हरा पाता हूँ नहीं हरा पाता हूँ, क्योंकि गाइस मैं इस बार 38 लेवल का हूँ और गाइस यहाँ पे सुजाकू मेरा 39 लेवल का 37 लेवल का है। तो देखो गाइस मैं हरा पाऊँ तो बढ़िया रहेगा, मेरे को पहले छुपना पड़ेगा गाइस, क्योंकि ये फ्रीज अटैक देता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहता है जो भाई जो जमा देता है बंदों को। ये देखो मेरे पे अटैक आ रहा है इसका। ओ भाई ये अटैक तो भाई उसका भी था ना भाई, अपने जर्मन टाइट का भी यही अटैक था ब्रो 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 भाई बहुत खतरनाक पहले मैं कह रहा था। देखो ये देखो भाई फ्रीज अटैक फ्रीज अटैक फ्रीज अटैक, ओ भाई मेरी शील्ड डीएक्टिवेट हो गई भाई भाई बहुत खतरनाक पहले, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, बहुत ही ज्यादा खतरनाक पहले भाई सेबिलेक्स, और एक तरफ से 40 लेवल का है भाई मेरे भाई सुजाकू की इसने खटिया खड़ी कर दी है तब से। ओ बहु भाई भाई डॉच कर डॉच कर डॉच कर, जमा दिया भाई जमा दिया छोड़ मेरे को, ये ले मेरे पे अटैक कर रहा है, भाग भाग तेजी से भाग तेजी से भाग, क्योंकि मारना नहीं मेरे को इसको कैप्चर करना भाई। सुजाकू की आधी लाइफ कर दी इसने भाई, मैंने गलती से गलत पैल को भेज दिया, गलती से अनुबिस को भेज दिया, मेरे को अनुबिस को नहीं भेजना था, लेकिन गाइस कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना मूव ना कर ब्रो। ये ले ओ भाई डॉच करना पड़ेगा डॉच करना पड़ेगा, बहुत खतरनाक अटैक है भाई ये। ओ भाई लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, बच गया भाई मैं मरना जाऊं कहीं इसके चक्कर में। ये बॉल फेंके मैंने भाई, बस एक दो शॉट और मारने मैंने इसको, पहल 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 ब्रो वापस हाइपर स्पेयर भाई, हाइपर स्पेयर में नहीं आ रहा ये ब्रो, हाइपर स्पेयर में क्यों नहीं आ रहा ये। एक मिनट को मैं अल्ट्रा स्पेयर फेंकता हूँ, अल्ट्रा स्पेयर फेंक के ट्राई करता हूँ, आ जाएगा मेरे को लग रहा है हाइपर स्पेयर में नहीं भाई, हाइपर स्पेयर में क्यों नहीं आ रहा, मेरे को खाना खाना पड़ेगा पहले, यहाँ पे खाना खाता हूँ मैं भाई। अल्ट्रा स्पेयर में भी नहीं आ रहा यार ये पहल क्या है। ओ भाई ये मेरे को ना मार दे पहल, ओ लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो भाई भाई, दो अल्ट्रा स्पेयर फेंकने के बाद आया भाई, बहुत ही खतरनाक पहल है यार ये भाई, बहुत ही ज्यादा खतरनाक पहल है यार ये। तो गाइस यहाँ से हम लोग मैन स्टिंग की केव में आ चुके हैं, और गाइस सामने देख सकते हो कितना बड़ा है 44 लेवल का। तो गाइस मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपना पहल भेजूंगा जो है गाइस जर्मन टाइड, तो गाइज मेरे हिसाब से जर्मन टाइड हरा देना चाहिए गाइज मैन स्टिंग को, अगर नहीं हरा पाए तो गाइज मेरी खटिया खड़ी होने वाली, इतना जान लीजिए। और ये मेरे पीछे आ रहा है भाई, ये केव के अंदर आ रहा है, ओ मेरे पीछे आ गया भाई, इस केव के अंदर कैसे आ गए, छोटी सी केव है ये, और ये ले मेरे पे अटैक कर रहा है भाई, डॉच कर डॉच कर डॉच कर डॉच कर, मेरे पीछे आ गया नहीं, ओ भाई मैं फंस गया, अबे यार मैं फंस कहां गया, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है भाई, मैं फंस गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं फंस कहां गया हूं और मैं नीचे कहां गिर गया, ओ भाई मैं नीचे कहां गिर गया भाई, मेरा जर्मन टाइट पता नहीं कहां ऊपर है और मैं नीचे कहां से गिर गया ब्रो, पता नहीं मैं नीचे कहां से गिर गया, जर्मन टाइट ऊपर है वो लगा पड़ा है उसको मारने पे, और जर्मन टाइट की हेल्थ गिर गई है, तो मेरे को यहां बुलाना पड़ेगा जर्मन टाइट को वापस से, और अपने उड़ने वाले पहल को यहां भेजना पड़ेगा ब्रो, मेरे को वापस से रिस्पॉन होना पड़ेगा इसके लिए, तो दो मिनट को गाइस मैं रिस्पॉन होकर वापस यहीं पे आता हूं। तो गाइस मैं मैजिक की गेम में वापस से आ चुका गाइस, इससे पहले पता नहीं क्या हुआ मैं नीचे जाके फंस गया, पता नहीं कैसे हुआ मेरे को नहीं पता, लेकिन गाइस इस बार मैं वापस से ट्राई करने जा रहा हूँ मैजिक को हराने के लिए, यहाँ से जर्मन टाइट के निकाल के उधर बेस से और उसके पीछे जाते हैं गाइस, यहाँ से जाऊंगा जिससे गाइस मेरे पे ज्यादा हमला ना, और भाई तेरे को यही आना था, तेरे को भी मेरे साथ ही क्यों आना है ब्रो, लेट्स गो जब, ओ नहीं 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 भाई ये कौन सा टैग मारा ब्रो उसने, एक ही बार है मेरी शील्ड डिस्ट्रॉय कर दी, वो भी भाई अच्छी वाली शील्ड है यार, लोकल शील्ड भी नहीं है, प्लीज उसको मार मार मार, उसके आधे एचपी घटा दे ब्रो, इसको तो पकड़ना है मेरे को, इसको भी पकड़ना है ब्रो, इसको भी पकड़ना है मेरे को, थोड़ा भाई घूमते रहना पड़ रहा है वरना ये मेरे को मार देगा, और मैं बाहर की साइड में नहीं आ सकता वरना भाई मैं मर जाऊंगा। एक मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ ब्रो, जर्मन टाइट अटैक कर ब्रो, जर्मन टाइट अटक गया यार, ये गलत बात है जर्मन टाइट, तूने मेरे को धोखा नहीं देना है बीच में, जा 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 जा, ये ले
निकल निकल भाई, पॉइजन कहाँ से पड़ गया मेरे को। अनुबिस भी इसकी खटिया खड़ी कर सकता है आराम से अनुबिस की खटिया खड़ी कर सकता है मेरे को, बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जो मेरे जर्मोटाइड। ओ भाई उसकी ओ सैनिटी घट गई थी भाई पूरी तरीके से, इसलिए वो मर गया। मेरे पे अटैक तो नहीं आ रहा है जर्मोटाइड। नहीं नहीं यार, जा जा अनुबिस, जा जा ब्रो ब्रो, तब तक तू उसको झेल लेगा मेरे को लग रहा है। मैं तब तक जर्मोटाइड की सैनिटी वापस लेके आता हूँ। भाई जर्मोटाइड की पूरी सैनिटी ले गया यार ये बंदा। लेट्स गो यूनिवोल्ट मार रहा है, बहुत बढ़िया यूनिवोल्ट। यूनिवोल्ट ब्रो तुम ही ओपी हो, जर्मोटाइड तुम ही ओपी हो। बच गया ब्रो, बस बस। ओ यूनिवोल्ट मर जाएगा ये, बस बस बस, इसकी लाइफ बहुत ज्यादा कम है। मैं इस पर फेंक सकता हूँ अल्ट्रा स्पेयर। लेट्स गो, मैंने अल्ट्रा स्पेयर फेंकी है इस पर, अल्ट्रा स्पेयर फेंकी है ब्रो, अल्ट्रा स्पेयर है ये, अल्ट्रा स्पेयर है। और लेट्स गो ब्रो। ओ ब्रो भाई भाई बहुत टफ था इसको मारना, लेकिन गाइस फाइनली हमने मार दिया। गाइस इसको मार के 15 कोल मिला मेरे को, बहुत सही। लेकिन भाई जर्मोटाइड की पूरी सैनिटी गिरा दी भाई, और अपने अनुबिस की पूरी सैनिटी गिरा दी थी भाई। ये बहुत ही ज्यादा ओपी पहल था यार, भला उसकी जो पैसिव स्किल है वो बेकार थी, लेकिन भाई पैल तो ओपी था यार ये। भाई सैनिटी बहुत जल्दी गिरा दी यार इसने मेरे पैल्स की। तो गाइस ये इलेक्ट्रिक टाइप है, मेरे हिसाब से मेरा अनुबिस जो 31 लेवल का है, इससे भाई मतलब कितना भाई 15 या 17 लेवल, हाँ भाई नहीं 16 लेवल भाई नीचे है, अंडर है। तो देखते हैं गाइस, क्योंकि मेरा जो क्या बोलते हैं जॉर्मोटाइड है उसको भी हरा देगा ही, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक टाइप है। तो देखते हैं गाइस मैं हरा पाता हूँ नहीं हरा पाता हूँ। थोड़ा सा पहले इसके पीछे चलते हैं, और इसे थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा मेरे को, और इसको यहाँ पे भेजते हैं अपने अनुबिस को, और यहाँ पे एक मुंह पे देते हैं इसके सट्टे से। अनुबिस अटैक कर ब्रो, अनुबिस अटैक कर। भाई क्यों मार रहा है अनुबिस को इसने, भाई इसके पास ग्रास टाइप अटैक भी है और इलेक्ट्रिक टाइप अटैक भी। अनुबिस मरने वाला है, अनुबिस जा जा जा, अनुबिस मरना नहीं ब्रो, बस तू जो कर लेना, मरना नहीं भाई। अनुबिस की आधी लाइफ कर दी है इसने भाई, अनुबिस को बुलाना पड़ेगा और यहाँ से जर्मोटाइड को भेजना पड़ेगा। ओ भाई फायर ब्रेथ, भाई फायर ब्रेथ भी इसके पास, के पास कौन कौन सी एबिलिटी है ब्रो। ब्रो ये पहले क्या है यार, ये तो मॉन्स्टर पहले। भागो भाई भागो, इससे इससे भागो भाई भागो, बहुत खतरनाक पहले। ये इतना बड़ा हो गया मेरे डायनोसॉर्म को मारेगा, नहीं 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 डायनोसॉर्म तो को मैं पकड़ लूं ब्रो, सॉरी जर्मोटाइड को मारेगा। इतना बड़ा है तू, मेरे जर्मोटाइड को मारेगा तू। ओ भाई ये कौन सा एरिया अटैक मार रहा है, ओ भाई ये देख रहे हो भाई कितना बड़ा एरिया अटैक था ये, भाई मेरे को धो देता भी ये। ओ भाई लेजर बीम कितना कूल, कितना बड़ा एरिया था यार इसका। ये ले भाई मेरे को अपने किसी तरीके से क्या बोलते हैं उसको भाई अनुबिस को बुलाना है। जा अनुबिस, अनुबिस मार। ओ भाई ड्रैगन ब्रेथ, ये ले अनुबिस ठोक देना ब्रो, अनुबिस ठोक देना, बहुत प्यारा अनुबिस। और ये ले, और एक मिनट रुक जा मेरे पे अटैक करने वाला। ये ले भाई बच बच बच, भाग 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 भाई, अभी तक मेरे को मार नहीं पाया, लेकिन भाई इससे भागना बड़ा दिक्कत की बात हो रही है, मैं झूठ ही बोलूंगा, बहुत ही ज्यादा दिक्कत की बात हो रही है। ये मारा अनुबिस ने, ये ले एक और शॉट ले मुंह पे, और ये ओ भाई बच गया बच गया बच गया। अनुबिस भाई बहुत मदद कर रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अनुबिस की पावर बहुत ही ज्यादा औसम है भाई। इसको पकड़ना बहुत ही ज्यादा हार्ड हो रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसको पकड़ना बहुत ही ज्यादा हार्ड हो रहा है। मेरे पास आ गया ब्रो ये, कहां से मेरे पास आ गया भाई। लेकिन मेरे जर्मोटाइड और अनुबिस बहुत ही अच्छा कमाल दिखा रहे हैं ब्रो, अगर ये दोनों ना होते ना। ओ भाई नहीं नहीं निकलना पड़ेगा यहां से, इसको बुलाता हूँ मैं अपने अनुबिस, अपने जर्मोटाइड को यहाँ से भेज देते हैं अपने अनुबिस को। जा अनुबिस, टॉर्च कर, पड़ा मेरे को लग रहा था पड़ेगा पड़ेगा ब्रो, हम लोग इसको पकड़ने ही वाले। बस जर्मोटाइड मारना नहीं, उसको जान से नहीं मारना है ब्रो ब्रो ब्रो, बस 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 निकल 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 निकल, इसको बस जान से नहीं मारना हमें, क्योंकि पकड़ना भी तो है इसको मेरे को, थोड़ी बहुत और एचपी घटानी है इसकी। और टॉर्च कर टॉर्च कर टॉर्च कर टॉर्च कर टॉर्च कर टॉर्च कर भाई, हाइपर स्पेयर में या तो अल्ट्रा स्पेयर। ओ लेट्स गो, 21 स्पेयर में आ गया। ओ भाई डायनासोर लक्स 47 लेवल का भाई मैंने पकड़ लिया। ओ भाई मेरे से भाई ये 17 लेवल या फिर नहीं 17 लेवल नहीं 9 लेवल ऐसी कुछ ज्यादा होगा, और भाई मेरे क्या बोलते हैं इससे अनुबिस से भाई ये 17 लेवल या 16 लेवल हाई था। ओ भाई अनुबिस को इसने 34 लेवल का कर दिया गाइस, भाई बहुत ज्यादा ओपी बैटल थी। अब मेरे को जाना है बस दो पोकेमोन को और पकड़ने के लिए, वो जो दो पोकेमोन है गाइस वो है एक ये फ्रॉस्टेलियन, और गाइस एक है अपना ये भाई ब्लेज मार्क जो 49 लेवल का है। पहले मैं इसको पकड़ूंगा, मेरे हिसाब से मैं इसको इजिली पकड़ लूंगा, क्योंकि गाइस मेरे पास है जर्मोटाइड, मेरे हिसाब से जर्मोटाइड इसको हरा के पकड़ सकता हूं मैं, ट्राई करके देखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले चलते हैं भाई अपने बेस में। तो गाइस यहां पे हम लोग ब्लेज मार्क के पास आ चुके हैं, और गाइस ये हमसे 10 लेवल ज्यादा हाई है, और मेरे क्या बोलते हैं अबे मेरे क्या बोलते हैं जो है जर्मोटाइड उससे भी 10 लेवल ज्यादा हाई है।
तो गाइस बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है, इसको तो हराना मेरे को लग नहीं रहा है गाइस मैं इसको हरा पाऊंगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा एक बार में इसको मैं कैप्चर कर पाऊं, क्योंकि गाइस ये 49 लेवल का और 4514 लाइफ है इसकी, तो भाई ट्राई तो बनता है, एक बार पकड़ना इसको। एक मिनट रुक जाओ, पहले यहाँ पे मेरे को भेजना चाहिए वहां पे जर्मोटाइड को और मारते खोपड़े। अबे जर्मोटाइड अटैक कर ब्रो उस पे, अबे अटैक करना। ठीक है भाई, दोनों की बैटल स्टार्ट हो चुकी है, जर्मोटाइड ने अटैक कर दिया और मैं भी अटैक कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई गोली नहीं लग रही है। एक तरह से मेरे को गाइस यहाँ पे सिर्फ पोकेमोन के अलावा कुछ दिख नहीं रहता, ब्लैक है और ये मेरे पे अटैक कर रहा है। नहीं, जर्मोटाइड भाई ये कौन सी पावर है इसकी? ओ भाई ये कौन सी पावर है ब्रो? टाइड है मेरे पास। भाई इसकी पावर बहुत अजीब है यार, इसकी पावर कितनी अच्छी है ब्रो, ये कौन सी पावर है अभी यार? हीटर रिसायरमेंट पहनना पड़ेगा मेरे को भाई, ये तो मार देगा मेरे को भाई, आग लगा दी इस बंदे ने मेरे पे। भाई मेरे पे अटैक ना कर, जर्मन टाइट पे अटैक कर। ओ भाई फ्लेम थोर भी देता है ये बंदा ब्रो, अभी तक इसकी लाइफ आधी हुई है लेकिन जर्मन टाइट की लाइफ आधी हो चुकी है और मेरी भी लाइफ आधी होने वाली। भाई जर्मन टाइट पे फोकस करेगा ना तो मैं जर्मन टाइट को थोड़ा बहुत खाना भी खिला सकता हूँ। भाई जर्मन टाइट की पूरी सैनिटी जाने वाली थी, बच गया मैं। मेरे को यहाँ पे मेरे हिसाब से छोड़ना चाहिए इसको। भाई मैं गया ब्रो, हीट रही से आर्मर पहनना पड़ेगा, मैं मरने वाला हूँ। मर गया ब्रो मैं। ब्रो मैं कह रहा था ना इसको हराना बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला, बहुत ही ज्यादा हार्ड है ब्रो इसको हराने के लिए। भाई पटक पटक के मारा है यार इसने तो, भाई पटक पटक के मारा है। भाई अगर मैं इसको नहीं हरा पा रहा हूँ तो ब्रो मैं इसको कैसे हराऊंगा? फर्स्ट एलियन जो भाई 40 लेवल का है, भाई 40 लेवल का नहीं 50 लेवल का है, ये 49 लेवल का गाइस, एक लेवल और हाई है इससे। तो भाई मैं उस पर ट्राई भी नहीं करने वाला हूँ अब, क्योंकि गाइस इतना ज्यादा खतरनाक पोकेमोन है भाई, मैं ट्राई भी नहीं करने वाला हूँ। मेरे भाई पैल को मरते मरते बचे हैं, भाई बहुत ज्यादा खतरनाक था यार, बहुत ज्यादा खतरनाक था। मेरे को भाई यहाँ से सैलेड लेके सैलेड खिलाना चाहिए भाई अपने पैल को। भाई मेजर इंजरी बहुत जल्दी हो जाती है यार। और गाइस मैंने मानोगे नहीं सारे पैल को पकड़ लिया, जितने भी पैल को मैं पकड़ सकता था, आप मानोगे नहीं। एक मिनट रुक जाओ, तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने टोटल 9 पैल, वो भी 9 पैल नहीं 9 लेजेंडरी बॉस पैल को पकड़ा है गाइस, जो बहुत ही ज्यादा हार्ड थे पकड़ना, लेकिन तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा ओपी था, इस वजह से उन सबको पकड़ पाया। बस 2 पैल को नहीं पकड़ पाया हूं मैं भाई, फर्स्ट एलियन और इसको भाई ब्लेजमत को, जो भाई 50 लेवल के हैं, 50 लेवल के आसपास ही मैं कहूंगा, क्योंकि गाइस ये 49 लेवल का और गाइस ये तो 50 लेवल का ही है भाई, जो सबसे मैक्स लेवल होता है गेम। और गाइस यहाँ पे 47 लेवल का मैंने डायनोसॉर्म को पकड़ डायनोसॉर्म लक्स को पकड़ लिया था, और गाइस यहाँ पे 44 का मैन स्टिंग को भी पकड़ लिया था, और गाइस यहाँ पे सेलिबी लैक्स को भी पकड़ लिया था जो 40 लेवल था, और गाइस यहाँ के जितने भी पैल थे उन सबको पकड़ लिया है मैंने, जिसकी वजह से गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे 9 बॉस पैल पकड़ लिए थे। गाइस बहुत ही ज्यादा हार्ड वीडियो थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा टाइम लगा इसको बनाने में, और गाइस मैं सोच रहा था फर्स्ट एलियन को पकड़ने के लिए, लेकिन गाइस मेरे को नहीं लगता हो पाएगा फर्स्ट एलियन को पकड़ पाना इसमें, क्योंकि गाइस फर्स्ट एलियन बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पोकेमोन है, वही 50 लेवल का पोकेमोन है। जब तक मैं 40 या 45 लेवल का नहीं हो पाऊंगा तब तक मैं नहीं सोचा उसको पकड़ पाऊंगा अभी। तो गाइस इस वाली वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि गाइस फर्स्ट एलियन को तो पकड़ना मुमकिन नहीं हो पा रहा इस वाली वीडियो में, लेकिन गाइस अगली बार हम लोग जरूर ट्राई करेंगे फर्स्ट एलियन को पकड़ने के लिए, और गाइस हम लोग ट्राई करेंगे ब्लेजमत को पकड़ने के लिए। तो मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो के साथ, अगर आपको पसंद आया जाके लाइक कर दो, लाइक गेम रखते हैं गाइस 60 लाइक का, तो जल्दी जाके लाइक गेम कंप्लीट कर दो। तो मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो के साथ, थैंक्स वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।